कोरोना वायरस के चलते देश में 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 20 अप्रैल से 3 मई तक के लिए जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी को नए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का संचालन, व्यापारिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर रोक जारी रहेगी। सरकार ने कहा है क्योंकि लॉकडाउन 2 के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि बंद रहेंगे तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है। सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। वहीं कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर से बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यालयों को सैनिटाइज उपलब्ध कराने, गाइडलाइंस के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीन कराने के आदेश दिए गए हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दूसरे चरण में खेती से जुड़े कामों को छूट दी गई है, यानी मंडियां चालू रहेंगी। कृषि से जुड़ी दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा खेती से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसके अलावा सिगरेट, गुटखे और तंबाकू पर बैन रहेगा। साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। साथ ही गुटखा थूकना अपराध होगा। इसके साथ ही हाईवे पर ढाबे और जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सुविधाओं को भी पहले जैसे छूट मिलती रहेगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने को भी कहा है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों को दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संक्रमण पर रोक लगाने में लॉकडाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में छूट दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS।